हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमने स्टार्ट करी है मैथ्स की सीरीज, उसका आज हमारा अगला चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे सर्ड्स एंड इंडिसेस की, यानी जो घातांक एवं करणी जो हमारा चैप्टर 2 है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, SI और जो उत्तराखंड स्केलर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, आप सर्ड्स और इंडिसेस होते क्या है, घातांक एवं करणी। तो स्टार्टिंग में हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ठीक है। देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने 9th और 10th में कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो इसके जो प्रॉपर्टीज है, पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड्स एंड इंडिसेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड्स, पहले हम सर्ड्स की प्रॉपर्टी समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड्स होते क्या हैं। तो देखिए, एक पहला जो फॉर्मूला है वो है, अगर देखिए कहीं पर a की पावर m इसकी होल पावर n, ऐसा कहीं पर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी मान लीजिए 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 4, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a की पावर m इसकी होल पावर n। तो ये क्या हो जाता है, जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो जो हमारा बेस होता है a, मतलब a कुछ भी होगा, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो जो हमारा a है, a की पावर m है, फिर उसकी होल पावर n दी गई है, तो इस कंडीशन में a की पावर क्या हो जाती है, m into n, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाती है, a into m into n इसकी पावर हो जाती है, यानी जो पावर होते हैं ना उनका क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, मान लो 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 5 थी, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 3 15, बस ये आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आगे को। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज है, इसमें जो पहला फॉर्मूला है हमारे पास a की पावर m इसकी होल पावर n, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a की पावर m इंटू n, यानी जो पावर्स होती है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दूसरा होता है, जैसे देखिए एक होगा a की पावर m इंटू b की पावर n, ठीक है, सॉरी a की पावर n इंटू a की पावर n। देखिए बेस सेम होगा दोनों कंडीशन में, जब बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, मतलब जो भी नंबर होगा यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, ऐसा कहीं पे क्वेश्चन आएगा a की पावर m इंटू a की पावर n, तब इस कंडीशन में क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। जब भी बेस सेम होगा और उनकी पावर अलग अलग होगी उस कंडीशन में क्या होगा, पावर जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है। अब तीसरी जो प्रॉपर्टीज है, अगर देखिए a की पावर m अपॉन a की पावर n, ऐसा कहीं पर देखने को मिलता है, यानी दोनों के बेस सेम है बट अब ये क्या आ गए, डिवाइड में आ गए, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, पावर मल्टीप्लाई में थी तो पावर जुड़ रही थी, अगर डिवाइड में आ जाते हैं तब पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को हम माइनस कर देते हैं, a की पावर m माइनस n, यानी इस वाली पावर से नीचे वाली पावर को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, चौथा जो फॉर्मूला है, अगर कहीं पर हमें a की पावर माइनस m दिखता है, यानी किसी भी संख्या का जो पावर है वो अगर माइनस में होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो नीचे आ जाता है, ऊपर 1 लिखेंगे नीचे a की पावर m, ये जो हमारे पास पूरा है ना ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर 1 लग जाएगा, मतलब जब भी हम किसी भी माइनस वाले पावर को नीचे लाते हैं ना तो ये इस तरीके से बनता है। तो कभी भी ऐसा होगा तो ऐसे सॉल्व नहीं होता, इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारी 4। पांचवी प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो पांचवी प्रॉपर्टी है, अगर हमें कभी a अपॉन b की पावर होल पावर m दिया होगा, ठीक है, a अपॉन b की होल पावर m दिया होगा, तब इस कंडीशन में क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास बेस है ना, a अलग है b अलग है, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों की पावर होल पावर है m, तो इस कंडीशन में दोनों की पावर अलग अलग हो जाती है, मतलब a की पावर भी m ही होगी और b की पावर भी m होगी, मतलब ये जो पावर है ये दोनों के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। अब देखिए छठा जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें हम लोग देखते हैं a अपॉन b की पावर माइनस m, a अपॉन b की पावर होल पावर माइनस m। देखिए यहां पर क्या था, यहां पर प्लस में था पावर, वही सेम है बट ये माइनस में आ गया, तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी जो b है b की पावर m ऊपर चले जाएगा, a की पावर n नीचे आ जाएगा, जो यहां पर था a अपॉन b की होल पावर m, तो इसमें क्या हो रहा था, a की पावर m अपॉन b की पावर m हो रहा था, लेकिन अगर पावर माइनस में होगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, b की पावर m ऊपर आ जाएगी और a की पावर n नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो फ्रैक्शन है ना, ये जो भिन्न है ये उल्टा हो जाएगा,
फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं हम लोग, ठीक है, माइनस वाले में जब होगा। अब इसके बाद एक और होता है, जैसे a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, इस तरीके का कोई भी समीकरण दिया होता है, इस तरीके का कुछ भी होता है, तब इस कंडीशन में हम क्या कंपैरिजन करते हैं इनका, कि जो पावर होती है m वो n के इज इक्वल टू होगी। अगर बेस सेम है ना, इक्वल के इधर बेस सेम है, इक्वल के राइट साइड भी बेस, दोनों साइड बेस सेम है, बट उनकी पावर कुछ भी हो अलग अलग, तो उनकी पावरों का कंपैरिजन करने पर पावर सेम हो जाती है, मतलब इक्वल हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करें तो देखिए, ए की पावर कभी भी जीरो होगी ना, किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू आ जाती है वन, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। देखिए उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9 की। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 9 में हम लोग पढ़ते हैं, अब रूट्स में आएंगे। अब देखिए कभी कभी रूट्स में भी हमें देखने को मिलते हैं नंबर्स, तो a अपॉन बी, रूट a अपॉन बी अगर कभी होता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ये रूट होते हैं दोनों के साथ लग जाएगा, मतलब रूट ए अपॉन रूट बी, इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, जो रूट है ना ये दोनों के साथ सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो जो रूट रूट के अंदर वन अपॉन बी था, ये अब क्या हो गया, रूट ए अपॉन रूट बी हो गया, ठीक है। इस तरीके से रूट दोनों के साथ क्या हो जाता है, अलग अलग। और दूसरी चीज आपको पता ही होगा, अगर कभी भी रूट रूट को हटाना होता है तो किसी भी संख्या की पावर क्या हो जाती है, वन अपॉन टू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये भी देखेंगे, देखिए जैसे देखिए कोई वेरिएबल है एन और उसके अंदर है रूट में ए, रूट में ए कोई भी नंबर है, वेरिएबल है एन बाहर कुछ भी, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, ए की पावर वन अपॉन टू, रूट हटेगा ना तो ए की पावर क्या आ जाती है, वन अपॉन टू आ जाती है। फिर देखिए अगले प्रॉपर्टी की हम बात करें, अगर कभी भी रूट ए की पावर टू होगी, यानी रूट ए स्क्वायर होगा, तब उस कंडीशन में क्या होता है, इस स्क्वायर से रूट हट जाता है और सिंपल ए बचता है। कभी भी किसी भी रूट की पावर स्क्वायर होगी, मतलब रूट की पावर दो होगी, स्क्वायर में रूट होगा, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि रूट हट जाएगा, ठीक है, और वो जो संख्या अंदर लिखी होती है वही हमारी बाहर आ जाएगी। इसके बाद अगले प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगला प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर कभी ए इंटू बी की पावर एन हो, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर a इंटू बी की पावर n हो, इस कंडीशन में जो पावर होती है दोनों के साथ अलग अलग लग जाती है, यानी a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, दोनों के साथ इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर जैसे मैंने यहां पर एक चीज बताया था ना, n रूट a बताया था, n रूट a इज इक्वल टू a की पावर क्या हो जाएगी, वन अपॉन एन हो जाएगी, सॉरी यहां पर, ठीक है, चेंज कर लेना, वन अपॉन एन, एन रूट ए इज इक्वल टू ए की पावर वन अपॉन एन। अगर देखिए यहीं पर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर इस एन की जगह थ्री दिया होगा तो यहां पर एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री, वन अपॉन थ्री हो जाएगा, टू होगा तो वन अपॉन टू, फाइव होगा तो वन अपॉन फाइव, यानी यहां पर बाहर जितना भी दिया होगा वही इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोगों ने देखा ए इंटू बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर एन, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग, ये तो हमारी 12 प्रॉपर्टीज थी, इन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हम लोगों ने 9th 10th में पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला होता है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। a की पावर 3 यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब कहीं पर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है यही, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है कहीं पर, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, सारे प्लस हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद हम देखिए, ये दो फॉर्मूले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले लिखने भी बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए, हम लोगों ने सारे जितने भी प्रॉपर्टीज थे शॉर्ट्स की उसको हम लोगों ने देख लिया, इसके बाद हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये सारे जितने भी फॉर्मूले थे ये लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सीधे बात करते हैं क्वेश्चन की, इनसे रिलेटेड शॉर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, पहला हम सिंपली बेसिक से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर 16 की पावर 3 बाय 4 इज इक्वल टू, अच्छा 16 की पावर 3 बाय 4 इज इक्वल टू,
तो 16 की पावर 3/4 किसके बराबर होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन है हमारे पास 16 की पावर 3/4 इज इक्वल टू, तो ये 3/4 मतलब 16 की पावर 3/4 किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा ये पूछा गया है। अब इस तरीके का तो हमने a की पावर ये क्या है n है, तो इस तरीके का कोई फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हम इस 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 2 into 2 into 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यानी हमने इसके फैक्टर्स करे, गुणनखंड करे तो हमारे पास क्या मिला 2 into 2 into 2 into 2 मिला। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब देखिए कितने नंबर से 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, इसकी होल पावर कितनी है 3/4। इस 16 को हमने पहले फैक्टर करके 2 into 2 into 2 into 2 में तोड़ा, उसके बाद हमने क्या करा इसको a की पावर में लिख दी, मतलब 2 की पावर हमने 4 लगा दी, क्यों, क्योंकि ये 4 है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो गई, तो इसकी होल पावर ये हो गई। अब ये हमें किस तरीके का दिख रहा है, a की पावर m इसकी होल पावर n, तो इस कंडीशन में क्या होता था a की पावर m into n जो पावर्स होती थी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो देखिए फिर आगे क्या होगा, 2 की पावर m into n होगा ना, तो 2 a कितना हमारे पास 2, इसकी पावर कितनी है m into n, m हमारे पास कितना 4 into n कितना 3/4। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है 2 2 4 4 2 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बनाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 इज इक्वल। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2। अब ये वाला इस तरीके का भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए पहले हम तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हमने ऊपर करा ना 16 की पावर 3/4 को हमने कैसे लिखा था 2 की पावर 4, यानी 16 को हमने 2 की पावर 4 लिखा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, है ना, 2 की पावर 4, इसको 16 को 2 की पावर 4 लिखा। अब जब a की पावर m और होल पावर n होता है तो ये a की पावर m into n हो जाता है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई n हो गया। ठीक है, ये m था ये n था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला हमारा ऐसे बन गया। दूसरी कंडीशन में हम 16 को कैसे लिखेंगे, देखिए अब मैंने कभी भी बोला था कि a की पावर कभी भी माइनस में m हो तो वो क्या हो जाता है a की पावर 1/m। देखिए a की पावर माइनस में अगर m होता है तो ये क्या हो जाता है, जो ये पूरा होता है नीचे आ जाता है और प्लस में 1/a की पावर m ये हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही पहले ये a है इसकी पावर माइनस में है, तो पहले तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1/16 की पावर 3/2, बट 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमने लिख लिया 16 मतलब 1/a को हमने 2 की पावर 4 लिखा, तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी अब 2/3, क्योंकि नीचे आके प्लस में हो जाएगा ना, ऊपर माइनस था नीचे आके प्लस में हो गया, तो ये नीचे आके क्या हो गया 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4 ये हमारा बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो इसकी पावर कितनी बच गई 2 into 3, तो 2 की पावर 2 into 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, बीच में गया प्लस, वैसे ही 1/ इसकी पावर भी कितनी होगी फिर 2 से 4 काटा 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 3 6, तो 2 की पावर यहां भी क्या आ जाएगा 2/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें पता है 2 की पावर 6 कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा ऐसे करके 6 टाइम 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 कितना होता है 64, तो ये कितना आ गया 64 आ गया, प्लस यहां पर क्या है 1/2 की पावर 6 कितना 64। बस हम यहां पर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल से कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 4097, कितना होता है आप कर लेना 16 और 16 को मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे ना, इसके नीचे 1 मान लिया, 16 का मल्टीप्लाई 16 में होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, फिर इन दोनों का नीचे होगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो पहले हमने 16 into 16 करा है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 4097 होता है, कितना होता है 4097 होता है, अपॉन 16 का 1 में करा 64 का 1 में करेंगे 64, तो आंसर कितना आ गया हमारा 4097/64, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया।
तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को ढूंढते हैं, बनाना पड़ता है फॉर्मूला, ठीक है, एकदम रखा रखा है नहीं मिलेगा आपको। जैसे 16 की पावर, इस तरीके का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा था, बट इसको हम लोगों ने क्या करा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाया, यानी ए की पावर एम इसकी होल पावर एन, ये वाला हमने फॉर्मूला इसको बना के तब जाके हमने इस क्वेश्चन को करा था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये इसी टाइप के सिंप्लीफाइड वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सर्ट्स के, ये इसी तरीके से बनेंगे, यानी जो मैंने जो प्रॉपर्टीज दिखाई 12-13 प्रॉपर्टीज, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हम लोग इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 8/125 की होल पावर -4, 8/125 की पावर -4/3 इज सिंप्लीफाइज टू। अब तो ये क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है, ये कैसे बनाएंगे देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। पहले तो मैंने क्या बोला, जिसकी भी पावर माइनस में होती है वो क्या हो जाता है। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ए की पावर ए अपॉन बी की पावर माइनस एम, ये वाला फॉर्मूला बताया था, ए अपॉन बी की पावर कभी भी माइनस एम होगा इस कंडीशन में जो हमारा फ्रैक्शन होता है ना उसको उल्टा कर देते हैं, यानी बी अपॉन ए की पावर एम कर देते हैं, या इसको अलग अलग लिख सकते हो आप लोग, जैसे ये एम है ना होल पावर है तो इसको यहां लगा लिया और इसके साथ भी लगा लिया, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a अपॉन b की पावर अगर माइनस m होगा तो हमारा फ्रैक्शन उल्टा होगा, भिन्न उल्टा हो जाएगा, b ऊपर चले जाएगा, a नीचे आएगा और m दोनों के पावर में प्लस में आ जाएगा। तो यहां पर भी हमें सेम दिख रहा है, a अपॉन b की पावर माइनस में, तो हम क्या कर देंगे फिर फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, यानी 125 ऊपर चले जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, इनकी पावर क्या है -4/3, तो अब ये प्लस हो जाएगा 4/3, ये भी क्या हो जाएगा 4/3, अभी हमारा सिंपल बन गया। अब हमें यहां पर क्या करना होता है ना, ये a की पावर m है तो a की पावर m को हमने a की पावर m इसकी होल पावर n में बनाना होता है। तो क्या करेंगे, हमें ये साफ साफ दिख रहा है 125 के फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे 125 के फैक्टर, अगर हम 125 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 5 × 5 × 5, यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, ठीक है। तो हमने 125 को क्या लिख लिया, 5 का क्यूब लिख लिया, इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी अपॉन, अब देखिए 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब लिख लिया इसको मल्टीप्लाई 4/3। अब देखिए इसको और आगे सिंपल करेंगे, ये देखिए 3 और 3 मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, यहां भी 3 और 3 मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा 5 की पावर 4, नीचे बचेगा 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितनी होगी, तो 5 की पावर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625, 5 की पावर 4, देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है ना, 125 में फिर से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 262, ठीक है 625 आ जाएगा, कितना आएगा 625, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, ठीक है, तो 625/16 हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहले हमने क्या करा, a अपॉन b की पावर माइनस में थी, हमने फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला यही कहता है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, जब भी किसी भी फ्रैक्शन की पावर माइनस में हो तो फ्रैक्शन उल्टा कर दो और पावर प्लस हो जाएगी। तो हमने इसी तरीके से करा, तो हमारा 125 ऊपर आया, 8 हमारा नीचे आ गया। अब हमने 125 को क्या लिखा, 5 का क्यूब लिखा, नीचे 8 को हमने 2 का क्यूब लिखा। अब जब ये वाली कंडीशन आ गई, a की पावर m इसकी होल पावर n, तो ये यहां पर कैसा बना 3 × 4/3, तो ये नीचे 3 से 3 कट गया, यहाँ 4 बचा, वैसे यहाँ भी 3 से 3 कटा 4 बचा, तो 5 की पावर 4 आ गई, नीचे 2 की पावर 4 आ गई, 5 की पावर 4 कितना होता है 625, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज है ना उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इससे बाहर कभी आता ही नहीं है, ठीक है, सारे फॉर्मूले ही लगते हैं उसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते, हमें बस पहचानना होता है और क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखिए 64 की पावर है -2/3, -2/3 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर -2। अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 64 की पावर -2/3 और 1/4 की पावर -2 है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखिए जब भी मैंने क्या बोला था, माइनस में पावर दिखती है तो पहले तो उसको क्या कर लो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है, उसको उल्टा कर लो, या फिर देखिए एक बार हम यहाँ पर, अभी तो हमारे पास सिंपल है ना,
ये देखो a की पावर m इंटू एन वाला यहाँ पर बन सकता है, 4 × 4 × 4 करेंगे तो 4 × 16 = 64, मतलब 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। इसको ऐसे ही लिख लिया -2/3, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। 64 को हमने 4 का क्यूब लिखा और इसकी पावर ऐसे ही रहेंगी फिलहाल। फिर यहां पर क्या करेंगे, 1/4 है, 1/4 को हम लोग क्या करते हैं, दोनों की पावर लगा देते हैं, देखिए अलग अलग कर देते हैं पावर, ए की पावर को हमने -2 कर दिया, नीचे 4 की पावर को भी -2 कर दिया, ठीक है। इस होल पावर को हमने दोनों के पावर के साथ लगा दिया। अब यहां पर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है, ठीक है, ए की पावर एम होल पावर एन है, तो इस कंडीशन में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, फिर 4 की पावर -2 बचेगा, ये 4 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ऊपर -2 बचा, मल्टीप्लाई 1 की पावर अगर -2 में है तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि -1 × -1 क्या होता है, प्लस का 1 हो जाता है, -+ मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 1 हो गया। अब देखिए नीचे क्या है, -4 की पावर 2। अब यहां पर मैंने इसीलिए इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करा क्योंकि ये कटने वाले थे, 4 की पावर -2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1, और 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे करा हमने, 64 था इसको हमने पहले 4 क्यूब लिख लिया, ठीक है, 4 क्यूब लिखा, उसके बाद जो उसकी फ्रैक्शन में जो -2 इनका होल पावर था, इनको हमने सेपरेट कर लिया दोनों के साथ, फिर हमने ये 3 से 3 कैंसिल करा, तो हमारे पास बचा 4 की पावर -2, ठीक है। फिर ये 4 की पावर -2 से नीचे 4 की पावर -2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, 1, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे पहचानना पड़ता है, क्योंकि अगर अब मैं देखिए माइनस में पावर दी तो मैंने पहले क्या करना पड़ता, 1/64 लिखना पड़ता, ये नीचे आ जाता 1/64, इसकी पावर प्लस में, वैसे इसको भी फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ता तो और ज्यादा लॉन्ग होता। कभी कभी क्वेश्चन को देख के पता चलता है किस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव। अब देखिए कोई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं ना, डेसिमल्स में भी आते हैं, मतलब जो दशमलव होते हैं दशमलव में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर है 16 की पावर 0.16, यानी 16 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.36, ठीक है, 16 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.36, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये किसके इक्वल होगा ऐसा पूछा गया है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो हमें क्या करना है ना, जो हमारे पास बेस होता है ना, हमें पहले जो स्क्वायर में होता है, मतलब जो सॉरी जो पावर में होती है, पावर को हमें छेड़ना नहीं होता, पहले तो हमें बेस में देखना होता है कि बेस हमारा कुछ बन रहा है। तो पहले देखिए यहां पर जो 16 है, क्या हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 या फिर 2 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 16 किसका, 2 की पावर क्या होती है, 4 होती है, 16 के फैक्टर मतलब ना, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगी, यानी 16 आएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 2 की पावर 4, अब इसकी होल पावर क्या है, 0.16, ठीक है, मल्टीप्लाई इस 2 को ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 था ना, बेस हमने सेम करना था इसलिए हमने 2 लिखा। अब इसको हम 4 × 4 भी तो लिख सकते थे, फिर भी बेस हमारा इक्वल नहीं होता, 2 के फॉर्म में हमने इसीलिए लिखा क्योंकि हमारा बेस सेम होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला लगेगा। तो ये 2 की पावर 0.36 हमारा ऐसे ही रहने दिया इसको, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर m है, यानी a की पावर m इसकी होल पावर n है, तो हमारा क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। तो वैसे यहां पर करेंगे फिर 2 की पावर क्या हो जाएगी, यहां पर 4 × 0.16 जो पावर्स थे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 की पावर 0.36, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 4 × 0.6, 0.16 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 × 4 = 64, यहां पर पॉइंट है, 0 लगा दिया, मतलब कितना आ गया, 0.16 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करा तो 0.64, यानी 64 आया। तो लिखेंगे 2 की पावर 0.36, ठीक है। देखिए 2 को हमने 2 की पावर क्या थी, 4 × 0.16 मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 2 की पावर 0.64 आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.36, ऐसे ही रहा, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेस है ना, बेस सेम आ गया। अब ये कैसा फॉर्मूला बन रहा है हमारा, a की पावर m इंटू a की पावर n,
तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला था, ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। जब बेस सेम होगा और पावर्स अलग अलग होंगी तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला बनता है पावर्स को जोड़ देते हैं, यानी पावर्स से जुड़ जाती है। तो बेस सेम है तो बेस को तो एक ही लिखेंगे, ऐसे ही रहने दिया। एम प्लस एन, एम प्लस का एन का मतलब क्या, 0.64 प्लस 0.36, यानी जो हमारे पास दो पावर्स थी वो जुड़ जाएंगी आपस में। अब इनको हमने जोड़ा तो देखिए जोड़ लेंगे, 64 में 36 जोड़ेंगे तो कितना होता है 100, यानी ये पूरा 1 बन गया। 2 की पावर कितना बन गया, 1 बन गया। 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हमने क्या करा, 16 की पावर जो दी थी उसको हमने 2 के फॉर्म में लिखा। 2 के फॉर्म में ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा नंबर था वो हमारे पास 2 का था, मतलब 2 के फॉर्म में था। तो इसको भी हमने 2 के फॉर्म में बनाया, तो क्या करा, 2 की पावर 4 लगा दी। इसका होल स्क्वायर, होल पावर क्या हो जाएगी, 0.16 जो दिया था, मल्टीप्लाई ये ऐसे ही रह गया। 2 को तो हमने लास्ट तक चेंज ही नहीं करा, 2 ऐसे ही रहा। फिर इसको 2 की पावर, 2 की पावर क्या हो गई, a की पावर m होल पावर m n वाला फॉर्मूला था, तो a की जो 2 था इसकी पावर क्या हो गई, आपस में मल्टीप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई हुई तो कितना बन गया, 0.64 बना। और इसकी पावर कितनी थी, 0.36। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो हमने कर दिया जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितना आ गया हमारे पास, आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए हमारा टारगेट है डेली डेली हम लोग 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेस मजबूत होगा। ठीक है, मैथ से ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें मैथ अच्छे से आएगी। ठीक है, अगर हम 2-4 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। फिर देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0.01024। अब देखिए ये सारे पॉइंट वाले डेसिमल वाले थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, तो इनको हमें ध्यान से करना होता है। 0.01024 इसकी होल पावर कितनी है, 1/5 इज इक्वल टू। अब ये किसके इक्वल होगा ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो अब पहले तो हमने तोड़ा ना उसको, जो नंबर दिया था उसको तोड़ के हमने पावर्स में लिखा था, बट अब हम इसे तोड़ के तो किसी की भी पावर ऐसे बना नहीं सकते। अब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब ऐसा हमारे पास कोई भी दशमलव वाली संख्या यानी डेसिमल नंबर दिया होता है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हमें क्या करना होता है इस कंडीशन में, अगर कुछ भी नहीं बन रहा, नीचे बेस ही हमारा पॉइंट में आ गया, पावर पॉइंट में होती है तो चलता है, क्योंकि बेस तो हमारे पास क्या होता है, होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है, बट हमारे पास बेस ही हमारे पास पॉइंट में है तो इसको तो हम तोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा के एक पूर्ण संख्या इसको बनाते हैं, यानी डेसिमल से हटाते हैं। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो वन यहां से मतलब यहां से पॉइंट हटाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो पॉइंट की स्थिति देखो, जो दशमलव है इसकी स्थिति कहां पर है, यहां पर है इसकी पोजीशन। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी इसको यहां पर लाना है। ठीक है, 5 अंकों के बाद हमें राइट में लाना है। 5 अंकों का मतलब क्या होगा, फिर 5 जीरो से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 0.01024 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 5 जीरो का, 1, 2, 3, 4, 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा उसी का, क्योंकि एक ही जगह हम कुछ नहीं कर सकते ना। जो हमने मल्टीप्लाई करा उसी का हमने क्या करा, डिवाइड भी करा। ठीक है, अब डिवाइड करा तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, है ना। तो देखिए 0.0 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 जीरो से हमारा एक पोजीशन इधर आ जाएगा पॉइंट, 1 जीरो से हमारा एक इधर आ जाएगा, 1 जीरो से हमारा इधर आ जाएगा, 1 जीरो से इधर पे आ जाएगा सॉरी, 1 जीरो से फिर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, इसको सॉल्व करा। अब देखिए फिर हमारा क्या हो जाएगा ऊपर, 1024 ये पूर्ण संख्या बन गई ना। अब ये पॉइंट यहाँ आ गया तो आगे के जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ये हमारे हट जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन इधर ले आए तो ये बन गया 1024। तो 1024 बना और नीचे क्या रहेगा, 1000000 यही रहेगा, इसकी होल पावर क्या आएगी, 1/5। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, a/b की पावर m बन गया। जब a/b की पावर m होता है इस कंडीशन में हम इसे क्या कैसे करते हैं, देखिए इससे पहले तो हम इसको करते हैं ना, देखिए 1024 इसको अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे ना इसके, जैसे निकाल लो 1024 के फैक्टर, 1024 के फैक्टर कर लो पहले। ठीक है, 2 से देंगे 2, 5 जै 10, 2, 1 जै 2, 2, 2 जै 4, 2 से देंगे 2, 2 जै 4, 2, 5 जै 10, 2, 6 जै 12, 2 से देंगे 2, 1 जै 2, 2, 2 जै 4, 2, 3 जै 6। ठीक है,
2 1 2 2 2 4, अच्छा सॉरी 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से देंगे 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से देंगे 2 1 2, 2 6 12, 2 से देंगे 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. देखिए इतने ज्यादा आ गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 कितने टाइम आया, 10 टाइम. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 कितने टाइम आ रहा है, 10 टाइम, तो 2 की पावर हमने इसको 10 लिख दिया. सेम वैसे ही नीचे देखेंगे जो हमारे पास 0 है वो कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 10 की पावर 5, है ना, 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 टाइम है, तो 10 की पावर हमारा 5 आया. अब देखिए इसकी होल पावर कितनी है, 1/5 है. अब ये क्या आ गया, a की पावर m और a की पावर n, नीचे a की पावर m और b की पावर n, ठीक है, दोनों a अपॉन b ऐसा वाला बनता है ना, a की पावर m अपॉन b की पावर n, इसकी होल पावर कुछ भी मान लो x मान लो. तो इस तरीके का जब फॉर्मूला बनता है तो ये जो पावर होती है ना ये दोनों के साथ आ जाएगी, ठीक है, ये दोनों के साथ, इसको सेपरेट लिख लेते हैं हम लोग. अब देखिए दोनों के साथ सेपरेट कैसे लिखेंगे, फिर देखिए हमारे पास क्या है, 2 की पावर 10 है ना, अब इसको भूल जाओ, अभी 2 की पावर a की पावर m होल पावर n है, तो ये जो पावर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो सेपरेट करेंगे 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5 दिया जाएगा ऊपर, सेम वैसे ही 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला. अब देखिए 5 को 10 से 2 टाइम मल्टीप्लाई, ओ सॉरी 5 से 10 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये नीचे 5 से 5 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा, नीचे हमारे पास 10 बचा, 2 की पावर 2 कितना 4, नीचे 10, इसको कैंसिल करेंगे 2 से ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 2/5. अगर हम इसे डेसिमल में, अगर ऑप्शन में डेसिमल में होगा तो 5 का डिवाइड दे देंगे 0.4 आ जाएगा, अगर ऐसे ही फ्रैक्शन में ही है तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं. तो हमारा क्या आ गया, 4/10 था, इसको सॉल्व करा, 0.4 भी लिख सकते हैं या 2/5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा. तो ये जो डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं. पहले तो हमें पॉइंट हटाना होता है, पॉइंट हटाया तो हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गया, ठीक है, फ्रैक्शन बना तो हमें पता चल गया ये फ्रैक्शन दोनों के साथ अलग अलग आएगा. अब अलग अलग आएगा तो इन दोनों का बेस हमने बनाना था, तो कैसे करना था, अब 1024 के फैक्टर करें तो इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 10, वैसे ही ये 10,000 था, कितना था, 1 से 10 से 100,000 10,000 लाख 1 लाख था ना, 1 लाख को हमने इसके फैक्टर करे तो 10 की पावर 5 आया, 10 की पावर 5 आया, तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा. फिर उसके बाद जो पावर होती है वो दोनों के साथ सेपरेट हो जाती है, ये होल पावर इसके साथ भी आया, होल पावर इसके साथ भी आया, तो 2 की पावर 10 इसकी होल पावर जो होती है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए, लास्ट में हमारा आंसर कितना आ गया, 2/5 आ गया, ठीक है. इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं. देखिए 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन है हमारा, तो ये अभी डेसिमल वाले थोड़े से हमारे टफ लग रहे होंगे, कैलकुलेटिव लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको आसानी होगी क्वेश्चंस करने में. तो देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करते हैं, ये भी हमारा देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. इफ 3/10 × 27/2 = 9/2 × 3^n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दिया है इफ यदि 3/10 है मल्टीप्लाई 27/2 है इज इक्वल टू 9/2 है मल्टीप्लाई 3/n है. अब देखिए यहां पर एक वेरिएबल आ गया n, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये n फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमें क्या फाइंड करना है बेटे, इसमें फाइंड करना है n की वैल्यू. तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हमें जो वो दिया ना क्वेश्चन दिया है ये मेन इतना है, 3/10 × 27/2 = 9/2 × 3/n. अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो देखिए इसको हम लोग बेसों को सेम करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, कभी भी फॉर्मूला पुट करना है तो बेस सेम होने चाहिए. अब बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3/10 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम इस 27 को क्या कर सकते हैं, फिर 3 × 3 × 3 कर सकते हैं ना, तो 3 × 3 × 3 का मतलब क्या होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा. अब ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना, इसके बाद क्या होगा, यहां पर इस 9 को भी हमने क्या कर लिया, 3/2 लिख ली, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. अब ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा,
इंटू 3 की पावर n, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, 3 की पावर 10 इंटू इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 टू जा 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब हमारे पास बेस क्या आ गया, दोनों में बेस सेम आ गया। अब मैंने एक चीज बताई थी, चलो पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, 3 की पावर 10 और 3 की पावर 6 है, यानी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर जुड़ जाएंगी, तो जुड़ के क्या हो जाएगी, 10 में 6 जुड़ेगा तो 16 हो गया, वैसे सेम इधर होगा, 3 की पावर कितनी है, 4 प्लस एन है, तो पावर जुड़ जाएगी, 4 प्लस एन हो जाएगी इसकी पावर। अब इस कंडीशन में देखिए, यहां पर एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन होता है, जब बेस सेम हो, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बेस इक्वल हो लेकिन उनकी पावर अलग अलग होती है, देन हम किससे कंपेयर करते हैं, पावर्स को इक्वली कंपेयर करते हैं, मतलब m इज इक्वल टू n हो जाएगा, m और n क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर बेस तो हमारा सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो कैसे लिखेंगे, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस n, ठीक है, 4 प्लस n, तो देखिए यहाँ पर 16 है यहाँ 4 प्लस n, तो जो हमारा कांस्टेंट नंबर है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो 16 ये जो 4 है इसको हम इधर लेके आए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारे पास जो वेरिएबल है n ये बच जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 16 से 4 माइनस करा कितना है, 12, यहाँ कितना बचा n, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 12, ठीक है, यही हमें फाइंड करना था n की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, 12 आया, यानी n का जो मान है वो 12 आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कहीं के पर n की वैल्यू फाइंड करने को देगी देंगे, मतलब यहाँ पर जैसे n लिखा है कुछ भी दे सकता है वेरिएबल x y z, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होगा उसकी वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। पहले तो हमें कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा इस सर्ट्स का, सर्ट्स एंड इंडेसेस ऐसा चैप्टर है, इसमें जो सर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने फर्स्ट में प्रॉपर्टीज फॉर्मूले लिखा है ना उसी से संबंधित होते हैं। देखिए पहले तो हमें बेस सेम करना होता है, यहाँ पर 3 था यहाँ 27 था, तो हमें पता चल रहा ना ये 3 का क्यूब है 27, और ये जैसे 9 था, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो इनको बेस इक्वल करना था, 3 3 3 के बेस में लिखना था, 3 3 के बेस में लिखा तो हमारा फॉर्मूला सेम बन जाता है, फिर ए बन जाता है ना, तो उसके बाद सिंपल हो जाता है क्वेश्चन करना। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक इसी तरीके का क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं, क्वेश्चन 8 तो क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इफ यदि 27 की पावर 2n-1 है इक्वल किसके इक्वल है, 243 की पावर 3 के इक्वल है, 243 की पावर 3 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें भी हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, n का मान पता करना है क्या होगा। अब देखिए यहां पर दिया है 27 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 243 की पावर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इस कंडीशन में हम इसको कैसे करेंगे, देखो पहले बेस सेम करो, 27 और 243 दोनों साइड जो बेस होगा ना उसको सेम करने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये कैसे होगा, देखो 27 तो हमें पता है 3 का क्या होता है, क्यूब होता है, 3 का क्यूब इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, 2n-1 इज इक्वल टू, अब देखिए आप लोगों ने क्यूब्स पढ़े होंगे ना, तो 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है, कितना होता है 243, 3 की पावर 5 होता है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, 3 की पावर 5 होता है, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे ना तो 333 5 टाइम आएगा, 5 टाइम आने का मतलब क्या, फिर 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी है 3। अब ये हमारा सिंपल बन गया ना, a की पावर m into n बन गया, तो क्या होता है a की पावर m a की पावर n होल पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a की पावर n into m, ठीक है, तो कर देंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2n-1, यहां ये ऐसा हो जाएगा, वैसे सेम यहां भी होगा 3 की पावर 5 इंटू 3 होगा, तो ये 5 3 सा 15 हो गया, है ना, फिर 3 की पावर, अब देखिए पावर ये 3 है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2n में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा, माइनस 3 का पावर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां कितना है 3 की पावर 15, ये ऐसे ही रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, देखो अब बेस सेम आ गया ना हमारे पास, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, तो m इज इक्वल टू n हमारे पास हो जाते हैं, यानी बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाती है, तो पावर्स को कंपेयर करने पर हमें क्या मिला 6n-3, ये जो पावर थी यहां लिख ली इक्वल, 3 की पावर यहां जो थी 15 ये यहां लिख ली।
अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से एन लिखेंगे इज इक्वल टू ये 15 ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें एन निकालना है, यहाँ 15 है। अब एक एक करके हम स्टेप करेंगे। पहले हमने ये माइनस 3 को इधर लाई तो ये प्लस का 3 हो गया, इधर आ गया, ठीक है। इधर आके क्या हो गया, प्लस का 3। अब ये 6 क्या था, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया डिवाइड में। तो यहां से हमें एन की वैल्यू फाइंड होगी, अब पता चलेगी। तो 15 में 3 जोड़ा कितना आया हुआ 18, अपॉन नीचे कितना 6, 6 से 18 कितने टाइम कैंसिल हुआ 3, तो n की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई, n इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जो भी अगर क्या कहते हैं हमारे पास n की वैल्यू फाइंड करने वाला जो भी क्वेश्चन होगा तो ये हम इस तरीके से बनाते हैं। दोनों साइड हमें पहले बेस इक्वल करना होता है, बेस इक्वल करने के बाद हमें फिर क्या करना होता है, जो फॉर्मूले लगते हैं बेसिक वाले तो हमें पता है ना, स्टार्टिंग के वो हमें करने होते हैं। फिर दोनों का बेस सेम होगा अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमारे पास जो पावर्स होती है उनको कंपेयर करके इक्वल दिखाना होता है, क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है कि अगर बेस इक्वल है दोनों साइड तो उनकी पावर भी इक्वल होती है। तो पावर को इक्वल करके हमें एन की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इफ इफ 3 की पावर x प्लस 8, 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, इफ x की पावर, सॉरी इफ 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आज वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेना और कल बता देना मेरे को ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सर्ट्स के काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। तो ये तो सिंपल से हमारे जो डेसिमल्स और जो हमारे पावर्स वाले क्वेश्चन थे ये करे। अभी हम आगे इसके बाद जो कल करेंगे ना वो रूट वाले क्वेश्चन करेंगे, और जो मैंने a³ + b³ का जो फॉर्मूला लिखाया था ना उसी से रिलेटेड पॉइंट वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग कल वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।